हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को, जिसमें 25 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो आने वाले SSC CGL CHSL MTS GD और रेलवे ALP टेक्नीशियन SI कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न है अर्थमैटिक ऑपरेशन पे। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। तो प्रश्न को पढ़ने पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। यह तभी बराबर होगा जब हम एक ही तरफ के संख्याओं को, एक ही तरफ के मतलब ये नहीं कि एक राइट हैंड साइड को बदलना है दूसरा लेफ्ट हैंड साइड को, तो बदलते हैं तब यह सही हो जाता है। LHS बराबर क्या हो जाता है, RHS। पहले 5 और 2 को बदलिएगा, तो जब 5 और 2 को बदलिएगा तब देखिए 5 और 2 तो 5 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को बदलिएगा तो क्या होगा कि 4 भागा हो जाएगा 5 आएगा। और जैसे ही 4 भागा 5 करिएगा तो ये पॉइंट में आएगा, और जैसे ही पॉइंट में आएगा, क्योंकि कहीं भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा 3 और 7, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है तो इसको 7 से बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक ही साइड का बदलना है, 3 और 7 एक ही साइड में रहता तब तो बदलाता। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेते, 5 + 3 को 3 लिखेंगे, 7 से कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 7 और 3 एक ही साइड रहता, लेफ्ट हैंड साइड में अगर रहेगा मान लीजिए दोनों, और राइट हैंड साइड में रहेगा दोनों, तभी बदलाएगा 3 और 7, ये कह रहा है आपको। तो चूंकि यहां पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट में 3 है 7 नहीं है, तो इसको 3 को 3 ही रखेंगे। -4/2 बराबर 4 × 3, अच्छा 3 को बदल देंगे 7 से, कहिएगा एकदम बदलेंगे सर। क्यों, क्योंकि 3 और 7 है दोनों एक ही साइड में, तो यहाँ पे 4 × क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -10/2, और इसको किससे बदलना है तो 7 को 3 से, 3 को 7 से। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ तो 2 आ जाएगा सर, ये 18 हो जाएगा, 18 × 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23 में से 2 हो जाएगा सर 21 हो जाएगा। इस साइड देखिए क्या आ रहा है, इस साइड राइट हैंड साइड, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 28 में से 5 जाएगा तो 28 में से 5 जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23 × 3 कितना हो जाएगा 26, दोनों बराबर है तो कहिएगा बराबर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, तो क्या क्या कर रहा है, 6 और 4 को बदलने के लिए, तो देखिए 6 और 4 एक ही साइड में है तो बदलाएगा, तो 5 + 3 ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे हैं, तो 6 को किससे बदलना है 4 से, और 4 को किससे बदलना है 6 से। दूसरा देने देखिए, दूसरा देने है 4, तो 4 है लेकिन 6 नहीं है, तो 4 को 4 रखेंगे, जब 6 नहीं रहेगा तो अदला बदली नहीं होगा, तो 4 × कितना हो जाएगा 3 − 10/2 + 7। अब देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, 12 × 5 = 17, अब भागा यहाँ हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 4 × 3 = 18, 2 × 5 = 17, 12 यहाँ पे कितना हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 = 14 हो जाएगा, इधर भी 14, तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साफ साफ कह रहा था, यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कि साफ साफ कह रहा है कि एक ही तरफ के संख्याओं को बदलना है। अगर एक तरफ में मान लीजिए कि 3 और 6 नहीं रहेगा, 3 और 7 नहीं था, हम नहीं बदलते थे, 3 को 3 ही रहने देते थे, 7 को 7। अगर 6 और 4 एक ही साइड में नहीं रहे तो 6 को 6 रहने दीजिए, 4 को 4, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी जाएगा। चलिए देखते हम लोग नेक्स्ट। अच्छा कैट को कहा क्या रहा है, तो इसको एक नंबर में लिख रहा है, इसका मतलब इसका पोजीशन लिख लेते हैं, तो सी का पोजीशन कितना होता है, तो सी का 3 होता है, इसका कितना होता है, ए का 1 होता है सर, टी का कितना होता है, तो टी का सर 20 होता है, कितना 20। इसका कोड कितना दिखाई दे रहा है, तो सर एक जगह कोड दिखाई दे रहा है सर 2 4 2 6 7। अच्छा इसको लिखने का प्रयास कीजिए, 2 4 2 6 7। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि सर ये जो देख रहे होंगे 3 और 24, ये तो अपोजिट वर्ड है, तो कहिएगा हाँ 27 हो रहा जोड़ने पे। अच्छा 1 और 26 जोड़ने पे कितना बन रहा है, 27, अपोजिट है, तो 20 और 7 कितना बन रहा है 27,
इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है कोड, ये क्या का कोड लिखा हुआ है? अपोजिट वर्ड का, मतलब जोड़ने पे क्या बनना चाहिए, अपोजिट में जोड़ने पे कितना बनता है 27। उसी प्रकार से कह रहा है कि रन को लिखेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग कर लीजिए और देखिए आर का मतलब क्या होता है 18, यू का क्या होता है अल्फाबेट पोजिशन 21, एन का कितना होता है 14। इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो कहिएगा 9 होगा सर। 21 में कितना जोड़े तो 27 हो जाए, कहिएगा सर 6 हो जाएगा यहाँ सर। 14 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो कहिएगा 13 हो जाएगा सर। 9613 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो ये प्रश्न एनालॉजी का, कैसे पता चला था यहां से सर, चार बिंदु से। तो जो रिलेशन बाई का होगा बॉड के साथ वही रिलेशन खोजना है। तो ध्यान दीजिए बाई क्या होता है, तो बाई और बॉड दोनों एक ही है लेकिन एक प्रेजेंट में है एक क्या है तो एक पास्ट में है सर। तो पहले प्रेजेंट इसका लिखा हुआ है भर और उसका फिर पास्ट लिखा हुआ है, ये पास्ट फॉर्म है। तो बताइए टोर और टीयर, तो कहिएगा टोर तो होता है सर लेकिन टीयर का जस्ट पास्ट होता है, तो टोर और टीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले पास्ट लिख रहा है और तब क्या लिख रहा है, प्रेजेंट लिख रहा है। तो हमको तो पहले प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट के बाद पास्ट चाहिए। रैन, रैन तो रन का पास्ट होता है ना, तो पहले उल्टा लिख दिया, पहले पास्ट लिख दिया तब प्रेजेंट लिख रहा है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। सैंग और सिंह, सैंग तो सिंह का पास्ट है तो पहले यहां पास्ट लिख दे रहा है तब प्रेजेंट लिख रहा है, गलत है। शर्ट और शर्ट, तो देखिए शर्ट प्रेजेंट में भी शर्ट होता है और पास्ट में भी क्या होता है, शर्ट ही होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों इसका क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो इसका जाएगा सर शर्ट जो होता है ये क्या होता है, पास्ट में भी सेम होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का क्या होता है, इसका सेम होता है, इसलिए शर्ट का शर्ट लिख रहे हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते कि पहले प्रेजेंट होगा सर तब क्या होगा, पास्ट होगा। बाकी में क्या हो रहा है कि कहिएगा नहीं सर ये तो पहले पास्ट भी हो सकता था तब प्रेजेंट, ऐसे करते तो चारों ऑप्शनों हमको चारों ऑप्शन गलत हो जाता, इसलिए इसका मतलब हम समझ गए कि ये पहले प्रेजेंट है उसके बाद पास्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी। बाकी में क्या हो रहा है कि पहले प्रेजेंट के जगह पास्ट लिख रहा है और फिर क्या लिख रहा है उसका प्रेजेंट भर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी जाएगा। चलिए थ्री हो गया, फोर नंबर देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है इसमें कौन सा समूह है जो एक क्रम में नहीं चलेगा, डोंट नॉट डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप। तो चलिए ध्यान दीजिए ए और ए और देखिए ए के बाद देखिए ओ कहाँ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्किंग कर रहे ओ यहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर। इसका मतलब ए से ओ जाने के लिए छह गो एलिमेंट ऐड हो रहा होगा। कितना एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, छह एलिमेंट के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद प्लस कर रहा है, इसको चेक कर रहे हैं प्लस, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे ओ के बाद एड यहाँ पे हो गया एंड, एक थ्री हो गया, दो तीन चार पांच छ। इसका मतलब ओ के बाद भी छह एलिमेंट ऐड करेंगे तब क्या आएगा, प्लस आएगा। अब एम बी फाइव को चेक कीजिए, एम बी फाइव सर कैसे जा रहा है, एम बी फाइव को चेक करते हैं, एम कहाँ यहाँ है। तो चलिए स्टार्ट होइए, एक दो तीन चार पांच छ, तो कहिएगा सर छह एलिमेंट ऐड होके आ रहा है, ठीक है। बी के बाद देखिए एक दो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बी के बाद एक दो तीन चार पांच और यहां पे क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा सर, छठा एलिमेंट। यहां भी सर सही आ रहा, मतलब दोनों छे छे आ रहा। अब चेक करते हैं डॉलर टू पी को, किसको चेक करते हैं, डॉलर टू और पी को चेक करते हैं। अब स्टार्ट हो जाइए डॉलर टू पी को चेक करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं डॉलर टू पी को। तो कहाँ है डॉलर, यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होइए, एक दो तीन चार पाँच छ, तो कहिएगा सर डॉलर से टू तो सर सही है। अच्छा टू के बाद स्टार्ट होइए, एक दो तीन चार पाँच छ, छठा नंबर पर आना चाहिए था सी, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे दे रहा है पी, तो पी तो छठा पे नहीं आ रहा है, सात आठ। इसका मतलब टू के बाद कितना ऐड करेंगे, यहाँ तो सही था, छह एलिमेंट बाद आ रहा है जोड़ने के बाद, लेकिन यहाँ दो के बाद आठ एलिमेंट के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, पी आ रहा है। इसका मतलब जो सी नंबर है एकदम जस्ट उल्टा है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। अगर एम बी फाइव भी चेक कीजिएगा तो ये भी होगा, एम बी फाइव को भी चेक कीजिएगा, तो चेक कर लीजिए एम बी फाइव आपका सही है, क्योंकि एम आपको देखिए यहाँ है, स्टार्ट होइए एक दो तीन चार पाँच,
अभी यहाँ छः, तो छः पे आइए बी। अच्छा इसके बाद चलिए बी के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, फाइव भी है, यहाँ भी छः एलिमेंट ऐड हो रहा है, बी के बाद भी छः, तो सभी फॉलो कर रहा है किसको छोड़ के, सी को, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए फिगर का है, अब इसमें फिगर को आपको फिगर के सीरीज का है, तो चेक कीजिए और बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आप दो गौर कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा दे रहा है आपको त्रिभुज, ऐसा दे रहा रंगा हुआ। अच्छा पहला में ऐसा ऐसा क्या हुआ, एक दो तीन चार, ऐसे यहां भी एक दो तीन चार, पहले में चार चार है, अब यहां क्या हो गया एक दो तीन, एक घट गया ऊपर में, नीचे में चार है, यहां पे देखिए अभी भी तीन, यहां तो तीन था ही, यहां भी तीन था, अब क्या हो गया कि यहां पहले चार था, अब यहां एक घट गया, मतलब पहले ऊपर से घट रहा है तब नीचे से घट रहा, तब तीन तीन हो गया, एक ऊपर से एक नीचे से, अब देखिए नीचे से घट गया तो बारी किसका, ऊपर से घट गया, यहां एक घट गया तो कितना बच गया दो, अब बारी किसका है, तो सर नीचे से भी एक घटेगा, तो एक घटेगा तो दो को त्रिभुज आएगा, तो दो दो को त्रिभुज कहां दिखाई दे रहा है, ए नंबर में तो है नहीं सर, बी नंबर में तो है नहीं सर, दो दो दिखाई दे रहा है केवल सी नंबर में, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, ये सर वाटर इमेज का है, किसका, वाटर इमेज का है, तो वाटर इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, मिरर को ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो जो नजदीक वाला है सर ऐसे वाला है, एक तो गोला बनेगा ही बनेगा, जो रंगीन वाला पार्ट है तो रंगीन वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा जो है इसको तो पलट के बनाइए, तो देखिए इसमें जस का तस रख रहा है, ये तो नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि सर जब ऐसा का बनाइएगा ऊपर में ऐसा का बनाइएगा तो फिगर पलट के ऐसा बन जाएगा इसका मिरर इमेज, ए में तो देखिए पलट नहीं रहा इतना दूर, गलत, बी में देखिए सर पलट रहा है यहां से यहां, यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां गौर कीजिएगा तो देखिए यहां से यहां ऊपर में था यहां तक तो पलट गया यहां तक नीचे आ गया, अच्छा यहां से यहां जो ऊपर था ये कहां चला गया नीचे, तो ये तो हमको नजर आ रहा है कि सर सही है, और उसके बाद ऊपर में रंगा रंगी है तो सर जो नजदीक है तो वो तो आ ही रहा है, यहां रंगा रंगी रहेगा ही, अच्छा इस वाले में खाली आ रहा है गलत है, इस वाले में तो एकदम चेंज कर दिया फिगर गलत है, ए नंबर क्यों नहीं होगा, ए नंबर में सर जस का तस रख दिया, ये वाला जस का तस रख दिया पोर्शन, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन किस चीज का है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेन डायग्राम का है, किसका है, वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम में क्या कर रहा है पढ़िए पहले इसको, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़े तो बोल रहा है कि कोच का प्रतिनिधित्व तो करता हो, खिलाड़ी भी हो, इसका मतलब कोच भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, मतलब प्लेयर भी होना चाहिए, लेकिन लड़की नहीं होना चाहिए, अच्छा स्टार्ट हो जाइए, प्लेयर के वाला हिस्सा और कोच वाला हिस्सा देखिए कौन कौन है, तो प्लेयर और कोच वाला हिस्सा इंटरसेक्शन में देखिए, तो प्लेयर और कोच वाला में इंटरसेक्शन में सर यही पोर्शन तो आ रहा है इंटरसेक्शन में, जो प्लेयर और कोच वाला में है, तो कहिएगा हाँ कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है प्लेयर और कोच में आ रहा है, अच्छा इसके बाद वाला तो नहीं आ रहा है, अच्छा इसमें देखिए कह रहा है कि गर्ल्स नहीं होना चाहिए, तो गर्ल्स वाला हिस्सा भी देख रहे होंगे, आर जो है वो तो गर्ल्स का ही भी हिस्सा है, इसका मतलब ये वाला तार नहीं होगा, तो कौन होगा, पी, पी क्या है सर, पी सर प्लेयर में भी है, और पी किस में है, कोच में है, लेकिन लड़की में नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा सर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो वेन डायग्राम का है, तो कह रहा है कि टिश्यू पेपर और टीना, टूना मछली जो है, एक मछली है ठीक है, तो बताइए और कछुआ, क्या टूना मछली कछुआ हो सकता है, तो कहिएगा सर मछली तो कछुआ हो नहीं सकता, क्या कछुआ मछली हो सकता है, नहीं सर, ये जो मछली है टूना और कछुआ इसके बीच में तो नोड का रिलेशन, अच्छा क्या कछुआ टिश्यू पेपर हो सकता है, तो कहिएगा नहीं सर, क्या टूना मछली भी टूना मछली टिश्यू पेपर हो सकता है, तो कहिएगा सर टिश्यू पेपर अलग है और टूना मछली अलग है, इसका मतलब तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा, और एक ही जगह नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो ये प्रश्न है सर सिंबल का है,
तो चलिए क्या कह रहा है सिंबल वाले में पढ़ते हम लोग। तो कह रहा था कि ध्यान से पढ़िए कि कितने सिंबल हैं जिसके पहले एक लेटर आना चाहिए, लेटर आएगा, जिसके बाद एक नंबर नहीं आना चाहिए। ऐसा कितना सिंबल होगा जिसके पहले एक लेटर आएगा, ठीक है, जिसके बाद एक नंबर आना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट हो, ये पहला देखिए, इस वाले में गौर कीजिएगा, सिंबल है डॉलर वाला, जो सिंबल के पहले एक लेटर है आया है, लेकिन सिंबल के बाद एक नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ नंबर आ गया, गलत है, ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, परसेंटेज एक सिंबल है, सिंबल के पहले आना चाहिए एक लेटर, यहाँ तो आ गया नंबर, गलत है। अच्छा है, सिंबल के पहले एक लेटर आना चाहिए, आया है, सिंबल के बाद एक नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ नंबर आ गया, गलत है। ये एक सिंबल है, सिंबल के पहले एक लेटर आना चाहिए, यहाँ नंबर आ गया, सिंबल के पहले एक लेटर आना चाहिए, आया है, सिंबल के बाद नंबर नहीं आना चाहिए, नंबर आ गया, सिंबल के पहले एक लेटर आना चाहिए, यहाँ लेटर के जगह क्या आ गया, नंबर आ गया, गलत हो गया। सिंबल के पहले एक लेटर आना चाहिए, आया है, सिंबल के बाद एक नंबर नहीं आना चाहिए, नंबर नहीं आया। ऐसा कहे कितना सिंबल है, तो मात्र एक सिंबल है जिसके पहले एक लेटर आया है और जिसके बाद एक नंबर नहीं आया। ऐसा कहे वो सिंबल है, तो एक ही सिंबल है, प्लस वाला। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी जाएगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, फिगर के सीरीज का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काला है, फिर ऐसा कुछ सिंबल आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है, खाली वाला आ रहा है, सब में आ रहा है, यही चीज का आ रहा है। नीचे में देखिएगा तो ये दो आ रहा है, फिर भरा हुआ आ रहा है, फिर खाली आ रहा है, तो ये आ रहा है। इसका मतलब सर ये वाला आ रहा है, तो भरा हुआ आ रहा है, अब बारी किसका है, खाली वाला का। खाली वाला तो गोला है, हमको डी में दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर में गौर कीजिए, त्रिभुज आ रहा है, फिर एक सर्किल आ रहा है, फिर एक बाद रेक्टेंगल आ रहा है, आयत आ रहा है, सब में यही आ रहा है। सर्किल आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है। सर्किल आ गया, ट्रायंगल आ गया, तो रेक्टेंगल की बारी है। रेक्टेंगल आपको ए और बी में दिखाई दे रहा है, सी में नहीं। अब आइए, ये वाला फिगर एक बार आ रहा है, फिर ऐसा कुछ फिगर आ रहा है, फिर ऐसा रेक्टेंगल वाला एक फिगर आ रहा है। देखिए रेक्टेंगल आ गया है, ऐसा जो वृत्त जैसा वो आ गया, तो बच गया खाली वाला, आएगा ये वाला तो नहीं होगा सर जी, ये वाला आएगा, ये वाला आया नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका जो भी फिगर बी वाला होगा वो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी, सी ही में बी वाला फिगर है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो ये भी प्रश्न है फिगर के सीरीज का। तो चलिए देखिए, तीन क्रॉस है, फिर एक क्रॉस कम हुआ, यहाँ पे एक कम हो गया, ठीक है, फिर अब बीच वाला एक कम हो गया, कहिएगा ठीक है। तो एक चीज हमको पैटर्न पता चला सर, ऊपर से नीचे घटते जा रहा है, पहले यहाँ एक कम हुआ, फिर अगला वाला में एक यहाँ कम हुआ, एक नीचे वाला में कम होगा, तो कहिएगा होगा। यहाँ से वृत्त, ये वाला जो देख रहे वृत्त जो रंगा हुआ है, ये कम हो जाएगा, तो यही वाला ना बच जाएगा आपको। ये वाला किस में दिखाई दे रहा है, तो गौर कीजिए, ए में तो है नहीं, बी में तो है नहीं, बच रहा है किस में, सी में, ऑप्शन नंबर डी में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये किस चीज का प्रश्न है, तो ये कोडिंग का है, तो ध्यान दीजिएगा, यू एन जी आई एम एम आई सी के वाई, इसका कोडिंग कुछ दे रहा है, एम आई जी एन यू वाई के सी आई एम। गौर कीजिएगा तो सभी लेटर आपको रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, सभी लेटर रिपीट कर रहा है, यू रिपीट कर रहा है, इसमें देख रहे होंगे आ रहा है, एन यहाँ भी आ रहा है, एन कहिएगा आ रहा है, अच्छा जी जी आ रहा है, आई आई आ रहा है, के आ रहा है, वाई आ रहा है, इसका मतलब सभी लेटर रिपीट कर रहा है, मतलब सेम का सेम है, खाली पोजिशन चेंज कर रहा है। तो कैसे पोजिशन चेंज कर रहा है, तो कुछ देख रहे होंगे सर, यू यहाँ पे आ जा रहा है, एम यहाँ आ जा रहा है, क्रॉस में बन रहा है, फिर एन यहाँ आ जा रहा है और आई यहाँ आ जा रहा है, तीसरा लेटर सेम का सेम आ जा रहा है। फिर इधर देख रहे होंगे, ये एम लास्ट में चल जा रहा है, ये वाई यहाँ लास्ट वाला पहला पा जा रहा है, आई यहाँ चल जा रहा है, के यहाँ चल जा रहा है, बीच वाला जस का तस हो गया। ऐसे हम लोग जब निकालेंगे कॉम्प्लेक्सिटी का निकालेंगे, सी टी
तो चलिए इसको कितना लीटर, दो चार एक पांच लीटर में डिवाइड कर देते हैं। तो पांच लीटर में डिवाइड करेंगे तो सी यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, यहाँ ही आ रहा था ना, ओ यहाँ आ जाएगा और एम आ यहाँ आ जाएगा। तो एल पी एम ओ सी, एल पी एम ओ सी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी। अब इसको बनाना होगा तो ई यहाँ आ जाएगा, यहाँ पा रहा था, वाई यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा और आई आपको यहाँ आ जाएगा। चीटी में आ गया एल पी एम ओ सी वाई पी आई एक्स ई, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो पूरे पूरे नहीं बनाना है आपको, दो लेटर से अगर भी निकल जा रहा था निकाल लीजिए दो ही लेटर से। अब ये प्रश्न किस चीज का है? ये सीरीज का, लेटर के सीरीज का। तो देखिए दो चीज है, एक तो लेटर भी आ रहा है नंबर भी आ रहा है, तो नंबर को गौर कीजिए, दो तीन पाँच सात, ये कैसा नंबर है? तो कहिएगा सर बहुत ये जाना पहचाना नंबर है, ये नंबर है प्राइम नंबर, आभास संख्या। इसका मतलब सर जो भी अगला सीरीज आएगा वो प्राइम नंबर आभास संख्या होना चाहिए। छः आभास संख्या नहीं है, ए गलत है, छः आभास संख्या नहीं है तो बी गलत है, सात और ग्यारह, सात और ग्यारह तो आभास संख्या है, तो कहिएगा हाँ। तो चाहे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चेक कर लेना बी से ही, तो कहिएगा सर बी तो सर दूसरा पोजीशन पे आता है, ई कितना पे आता है? पांचवा। तो सर तीन का इंक्रीमेंट हमको दिखाई दे रहा है। जी से जे, तो कहिएगा सर जी होता है सर सात, जे होता है सर टेन, मतलब सर तीन तीन का इंक्रीमेंट पे होगा। तो बताइए तीन तीन के इंक्रीमेंट पे, तो भी कितना होता है? तो भी कहिएगा सर 22 होता है, और वाई कितना होता है? पोजीशन 25 होता है। तो सर यहाँ तो तीन का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू और एक्स में, तो W और X में बात कीजिएगा, तो W होता है सर 23 और X होता है सर W X होता है 24, एक का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है और हमको तीन का इंक्रीमेंट चाहिए था, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी जाएगा, वी वाई 11। अब ये फिर किसका है? तो सिंबल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि पहला चेक कीजिए कि क्या रख दे कि मेरा सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन नंबर में कह रहा है बराबर, फिर यहाँ पे कह रहा है जो भी आपको स्टार वाला देखा है, यहाँ गुना या माइनस। अब देखिए तो 9 से 63, 63 में से तीन जाएगा तो 60 आ रहा है सर, इधर कितना आ रहा है? 34 बराबर है। तो कहिएगा नहीं, ए नंबर गलत है। दूसरा रख के देखिए, 34 पहले माइनस रखने के लिए कह रहा है, फिर यहाँ पे हम बराबर रख दिए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ इंटू 3, यहाँ 34 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27। यहाँ भी कितना गया? 27। ऑप्शन नंबर जाएगा बी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है? तो सिलॉक्स का है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम बसेज आर ग्लाइडर, तो कुछ बस जो है ग्लाइडर है। तो सम का रिलेशन बना लिए, बस और ग्लाइडर के बीच में कैसा रिलेशन है? सम का है। अच्छा, ऑल ग्लाइडर, ग्लाइडर को अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए, तो बना लेते हैं जितना भी ग्लाइडर है उस सभी का सभी क्या है? अम्ब्रेला है। तो जितना भी ग्लाइडर होगा किसके अंदर आएगा? तो कहिए अम्ब्रेला के अंदर आएगा। अब हम वो निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि नो अम्ब्रेला इज बॉस, क्या अम्ब्रेला और बॉस में क्या रिलेशन देख रहे हैं? तो सर अम्ब्रेला का कुछ पार्ट ये वाला और ये वाला बॉस का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुछ पास बॉस का तो सर अम्ब्रेला तो ये है। यहाँ कह रहा है नो बस इज अम्ब्रेला, नो अम्ब्रेला इज बस, ये तो गलत है। सम बसेज आर अम्ब्रेला, तो सही बात है सर। यहाँ पे गौर कीजिएगा तो सम बसेज आर अम्ब्रेला कह रहा है, ये बस का पार्ट था और ये अम्ब्रेला का पार्ट था। इस वाले में अम्ब्रेला वाला में जब बना रहे थे ये दोनों में देख रहे होंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, तो कुछ पार्ट जो था सर ये वाला जो था ये वाला पार्ट, ये तो बस वाला अम्ब्रेला में भी है, तो सम बसेज आर अम्ब्रेला ये तो सही है। तो इसका मतलब टू नंबर केवल फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी प्योर कंक्लूजन कौन फॉलो करेगा? तो टू नंबर, हिंदी में भी क्या है? तो सी। अब ये भी फिगर पे है, इसको देखिए क्या हो रहा है। तो गौर कीजिएगा यहां 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 रंगा हुआ है लेकिन दोनों ओवरलैप कर रहा है, यहां भी रंगा हुआ है लेकिन रंगा हुआ है लेकिन दोनों क्या आ रहा है? यहाँ पर रंगा हुआ जो भी आ रहा है तो
पूरे पूरे ओवरलैप कर जा रहा है इस पे, ये पोर्शन रंगा हुआ आ रहा है सब में, कहिएगा आएगा, यहाँ भी रंगा हुआ आ रहा है, कहिएगा आ रहा है, यहाँ भी रंगा हुआ आ रहा है। अच्छा, सेकेंड नंबर वाला में इस वाला रो में बात कीजिए चलने का, एक आ रहा है वृत्त, एक आ रहा है त्रिभुज आ रहा है, एक आ रहा है वृत्त आ रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है, तो कहिएगा ठीक है, तो एक वृत्त आ रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है। इसमें देखिए दोनों का दोनों फिगर सेम आ रहा है, तो देखिए पहला रो में बात कीजिएगा, एक सेम आ रहा है, दूसरा अलग अलग आ रहा है और एक रंगा हुआ आ रहा है। दूसरा रो में देखिए एक तो अलग वाला आ रहा है, बाहर में आ रहा है चतुर्भुज, मतलब जिसको रेक्टेंगल करे, अंदर में सर्किल, एक दोनों सेम वाला भी आ गया, एक रंगा हुआ वाला भी है, दूसरा रो में आ गया। इसका मतलब एक रो में क्या हो रहा है, जो भी आपका रो है आपका फर्स्ट रो में, एक तो दो को फिगर सेम आ रहा है जैसे आ रहा था यहाँ पे ऐसे, फिर एक फिगर अलग अलग आ रहा था सब में, और एक फिगर था जो रंगा हुआ आ रहा था। अच्छा, यहां देखिए रंगा हुआ आ रहा था आपको, तो नाइन नंबर, यहाँ पे क्या है एट नंबर अलग अलग आ रहा है, और सेवन नंबर क्या है सेम है। तो कह रहा है कि तीन तीन का समूह बनाइए, तो बनाते हैं तीन तीन का समूह, तो तीन तीन का समूह बनाते हैं और देखिए क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सर देखिए जो भी है सर रंगा हुआ वाला सर, तो थ्री सिक्स और नाइन एक जैसा दिखाई दे रहा है रंगा हुआ वाला, तो थ्री सिक्स नाइन ए और बी में आ रहा है, तो बी और सी तो गलत हो गया। अच्छा, टू टू वाला अलग अलग आ रहा है, उसको देखिए टू अलग अलग फिगर है, फोर अलग अलग फिगर है, और एट अलग अलग फिगर एक साथ आना चाहिए, टू फोर एट इसी में आ रहा है। अच्छा, एक जैसा फिगर वाला वन है, फाइव है, सेवन है, वन है, फाइव है, सेवन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब इस वाले फिगर में देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए पहला चीज देख रहे हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कुछ कॉमन आ रहा है सब में सर। इस वाले को देखिएगा पहला वाला रो में, तो कहिएगा सर यहां से यहां भी कॉमन आ रहा है और यहां वाला भी कॉमन आ रहा है, क्या हो रहा है सर ये वृत्त भी आ रहा है, कैसे आ रहा होगा। तो सर ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में से कुछ कॉमन लिया है, तो जो भी दोनों में कॉमन आ रहा है वही लिया, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो बाहर का वृत्त आ रहा है कॉमन, दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है सर, वो ले लिया। इन दोनों में जो पहला और दूसरा में जो भी कॉमन आ रहा था उसी को आपको तीसरे वाले में ले रहा है, क्या में ले रहा है तीसरे वाले में। जैसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों वाले में तो वृत्त तो नहीं है, तो खाली यही वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा था ले लिया। इस वाले में देखिए तो इस वाले में तो खाली कॉमन यही दिखाई दे रहा दोनों में, इसका मतलब इस वाले में खाली क्या नजर आना चाहिए था, तो ये सर्किल जो शेडेड रहना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पहला दूसरा के इन दोनों का जो कॉमन आया ये बना, फिर इन दोनों का जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा, और आंसर कौन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें होगा वो हो जाएगा। तो सी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो ये प्रश्न चीज है आपका डाटा सफिशियंसी का है। स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है आपको स्टेटमेंट। स्वाति का हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नमिता मदर, तो देखिए दोनों को बनाते हैं, पहला स्टेटमेंट को पढ़ के बनाते हैं। स्वाति जो होगी तो स्वाति का हस्बैंड, मतलब स्वाति पता चल गया कि जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल है, माइनस लीजिए। इसका जो भी हस्बैंड है, इस हस्बैंड को बारे में कह रहा है इज द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर, तो नमिताज के मदर का इकलौता पुत्र है इसका पति। तो जो भी नमिता है, हिंदी में कह रहा कि स्वाति का जो पति है नमिता की माँ का, तो नमिता की माँ का मदर का इकलौता पुत्र है, ओनली सन है। इसका मतलब इसके पास और कोई सन नहीं है, इसके पास और कोई सन नहीं है, तो मतलब नमिता का मदर है, तो नमिता तो चाहे मेल हो सकती थी या फीमेल, क्योंकि एक ही सन है मदर का, इसका मतलब क्लियर हो गया इसका और कोई सन नहीं है, इसका मतलब नमिता का जेंडर क्लियर हो गया, ये फीमेल रही होगी, क्या रही होगी फीमेल। क्यों, क्योंकि मदर का ओनली सन जो है इसका हस्बैंड है, इसका हस्बैंड है स्वाति का हस्बैंड, इसका मतलब जो भी नमिता की माँ है उसका कोई और पुत्र नहीं है, मतलब एक ही पुत्र है, इसका मतलब नमिता का जेंडर क्लियर है। तो देखिए नमिता का माँ का लड़का ये, तो इसका नमिता का क्या कहलाएगा भाई, ये क्या कहलाएगा नमिता का भाई साहब, इसको ये भाई बोल रही है
स्वाति इसको कह रही है हस्बैंड, इसका मतलब क्या हो गए, तो दोनों हो गए ननद, ये ननदे कहलाएगी इसका, ठीक है। तो स्वाति जो होगी, नमिता क्या होगी, ननद कहलाएगी स्वाति का, तो क्या होगी ननद, ननद का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ, ये इसको भाभी कहेगी, क्या कहेगी, भाभी कहेगी। तो नमिता क्या कहेगी स्वाति को, भाभी कहेगी, क्यों, क्योंकि इसके भैया की ये क्या है, पत्नी है। तो पहला वाला तो सफिशियंट है सर, नमिता और स्वाति के बीच रिलेशन निकालने के लिए, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए पढ़िए, कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट वन तो सर क्लियर है, उसमें स्वाति जिसके द्वारा कह रहा है कि स्वाति का नमिता के साथ क्या रिलेशन है, तो स्वाति जो होगी भाभी होगी, क्या होगी, स्वाति भाभी होगी किसकी, नमिता का, क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट वन से, तो क्लियर हो जा रहा है कि सर निकल जाएगा। स्टेटमेंट टू के थ्रू निकलेगा क्या, इसको पढ़ते हैं, स्टेटमेंट टू के थ्रू निकल रहा है कि नहीं, क्या कर रहा, स्वाति का ब्रदर, तो जो भी स्टेटमेंट वन तो ठीक है, स्वाति का ब्रदर, तो जो भी स्वाति का भाई है, जो भी भाई है स्वाति का ब्रदर है, और नमिता का हस्बैंड का कजिन, नमिता जो हो गई, नमिता और इसके हस्बैंड क्या है, इसके हस्बैंड आर कजिन, क्या है स्वाति का जो भाई है और नमिता का हस्बैंड है, ये दोनों आपस में है क्या है, तो चचेरा भाई है, यही ना कह रहा है कजिन है, चचेरा भाई, चचेरा भाई। तो स्वाति का जो भाई है, नमिता का हस्बैंड का चचेरा भाई है, मतलब स्वाति का जेंडर क्लियर नहीं है, भाई है स्वाति मेल है कि फीमेल हमको पता नहीं है, प्लस या माइनस पता हमको नहीं है, मेल भी हो सकती है फीमेल हो सकती है। तो स्वाति का रिलेशन निकालना है नमिता के साथ, तो स्वाति उसके क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी कि ब्रदर इन लॉ लगेगी, क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए जो नमिता का हस्बैंड है, तो नमिता का तो जेंडर क्लियर है कि निगेटिव है, मतलब फीमेल है। नमिता का जो हस्बैंड है स्वाति का भाई है, दोनों आपस में क्या, चचेरा भाई है, इसका मतलब स्वाति भी चचेरी बहन लगी या चचेरा भाई लगेगा, क्योंकि स्वाति का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब भाई जब जो भी लगेगा, इसको कह रहा है चचेरा भाई है, इसका मतलब नमिता इसकी क्या लगेगी, तो चचेरी भाभी लगेगी, या जिसको सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, या नमिता के बारे में पता है लेकिन स्वाति क्या लगेगी हमको पता नहीं है, तो स्वाति सिस्टर इन लॉ भी लग सकती है या ब्रदर इन लॉ भी लग सकती है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो टू वाला जो है सफिशियंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो बोथ होगा, पहला वाला तो गलत है सर, कह रहा है कि वन एंड टू आर, टू एलोन इज सफिशियंट, ये भी गलत है सर, आइदर वन और टू इज सफिशियंट, नहीं वन एलोन इज सफिशियंट, दोनों में से कुछ, दोनों तो पर्याप्त नहीं है, वन एलोन इज सफिशियंट व्हाइल टू इज नॉट सफिशियंट, यही है, दूसरा से तो हमको क्लियर निकलता नहीं है। स्वाति का बारे में कर रहा रिलेशन, चूंकि स्वाति का जेंडर क्लियर नहीं है, नमिता के बारे में बोलता था, नमिता तो उसके भाभी तो लगेगा ही, चाहे फीमेल हो या फीमेल, लेकिन स्वाति क्या लगेगी, उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी कि ब्रदर इन लॉ लगेगा, पता नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश में भी डी, हिंदी में भी डी। अब यह क्या है, एनोलॉजी का, एनोलॉजी में भी किसका है, लेटर का है, लेटर वाला में क्या करते हैं सर, जैसे है देखिए लिख लेते हैं, के जी एम ए एन आई, देख रहे होंगे एम एम ए ए के सभी लेटर रिपीट कर रहा है, ए ए यहाँ पे देख रहे होंगे सभी लेटर क्या कर रहा है, रिपीट, ए ए एन एन आई आई के सभी लेटर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सभी लेटर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब सर कि खाली पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कहिएगा हाँ पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पहला वाला तीसरा पे जाएगा सर जी, ये दिखाई दे रहा है, तो सी जो होगा तीसरा पे जाएगा, मतलब तीसरा नंबर पे सी आना चाहिए, अब चेक कीजिए कि तीसरा नंबर पे सी कहाँ है, तो बी में नहीं है सर और डी में नहीं है, चलिए और क्या होगा, और ध्यान दीजिए जो लास्ट वाला है सर, सेकेंड लास्ट एन जो है ये सेकेंड लास्ट है, ये पोजीशन चेंज नहीं करता, तो जो सेकेंड लास्ट होगा सर टी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, टी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, यार टी का पोजीशन चेंज हो गया तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा, पूरे पूरे बनाने का जरूरत नहीं है।
अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्या करा है कि उत्तर की ओर बैठा हुआ है सात आदमी, उत्तर की ओर सात आदमी को बैठा देते हम लोग, एक दो तीन चार पांच छ सात। अच्छा क्या करा, ई और डी के बीच ए बैठता है। अब देखिए ई और डी में कौन ई पहले बैठेगा कि डी, हमको नहीं पता है, लेकिन ई और डी अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन इसके बीच में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो ई यहाँ भी हो सकता है या डी यहाँ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन बीचों बीच कौन बैठेगा, ए। ये कह रहा है जेड और वाई के बीच केवल बी बैठता है, तो इसका मतलब जेड और वाई के बीच, तो वाई यहाँ है कि जेड यहाँ, हमको पता नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, वाई यहाँ भी हो सकता है, जेड यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में केवल एक आदमी बैठता है, वो कौन बैठता है, बी बैठता है। ई के दाएं केवल, अब बताइए ई के दाएं में केवल एक ही आदमी बैठेगा, वो कौन बैठेगा, सी बैठेगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ई के बाद केवल सी को बैठना है, तो और कोई बैठेगा नहीं, तो कंफर्म हो गया कि ई को यहीं पर बैठाएंगे सर, तभी ने इसके बगल में केवल एक ही आदमी बैठेगा दाया में, कौन बैठेगा दाया में, इसका सी बैठेगा। अगर ई यहाँ बैठाते तो यहाँ तो सी बैठाते तो और भी बैठ सकता था, तो ई यहाँ पर बैठ नहीं सकता था, ना यहाँ बैठ सकता था ना यहाँ। क्लियर हो गया, ई यहाँ होगा सी यहाँ होगा। जैसे ही ई बैठ गया तो क्लियर हो गया कि डी को बैठेगा सर, जब ई यहाँ है तो ए तो इसके बीचों बीच होगा, तो ए यहाँ आएगा, आ गया, और डी कहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा सर। अच्छा अब जेड बी वाई, अब यहाँ कोई भी बैठ सकता है, जेड यहाँ या यहाँ बैठ सकता है, जेड पंक्ति के किसी अंतिम छोरा पे नहीं है, तो जेड यहाँ नहीं है, तो क्लियर हो गया कि इस पोजीशन पे जेड नहीं बैठेगा, तो जेड का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ वाला होगा, तो जेड कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्यों, क्योंकि बीच में किसको बैठना है, वाई को, तो जेड यहाँ नहीं बैठेगा, तो जेड यहाँ बैठेगा, और यहाँ कौन बैठ गया, यहाँ बैठेगा सर वाई बैठ गया। अब क्या कर रहा है कि जेड पंक्ति के किसी छोर पे नहीं बैठता, बी के निकटतम बाएं, तो बी के निकटतम बाएं, ये बाया में तो यही बैठा हुआ है, निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ, वाई, ऑप्शन नंबर बी। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो ये प्रश्न है आपका मिरर इमेज का है। तो देखिए घड़ी में जब भी मिरर इमेज बोलेगा ना, तो आपको क्या करना है कि 11:60 में से ओरिजिनल टाइम घटा दीजिएगा ना, सही वाला समय, तो उसका मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल टाइम घटा दीजिएगा तो मिरर इमेज। अगर वाटर इमेज कहता तो 18:30 से घटाइएगा, 18:30 से ये मिल जाएगा मिरर। अगर वाटर इमेज कहता 18:30 से घटाना है, तो चलिए आपको मिरर इमेज कह रहा है 11:30 का, 9:30 का, तो 11:60 में से घटाएंगे 9:30, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये सब 2:30 इसका मिरर इमेज होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, ये भी मिरर इमेज का है। तो देखिए ये वाला क्या मिरर इमेज बनाइएगा, तो ये रंगा हुआ है, तो यहां तो रंगा हुआ रहना चाहिए, और यहाँ खाली है तो यहाँ खाली आना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए रंगा हुआ दूर कर दिया, इस साइड यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ डी में तो गलत दे रहा पोजिशन है, यहाँ तो सही है सर। अच्छा एक चीज और को गौर कर रहे होंगे कि क्रॉस का बना रहा था, यहाँ क्रॉस फिगर ये बन रहा था, तो ये प्लस कैसे बन गया, ये तो गलत है सी नंबर। अच्छा इसका मिरर इमेज बनाइएगा, तो यहाँ रंगा हुआ दूर पे है, तो रंगा हुआ दूर पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए नजदीक में है, यहाँ पे तो बी नंबर गलत है, तो बच गया क्या, ए नंबर ही इसका मिरर इमेज होगा, जो नजदीक है तो खाली है तो खाली नजदीक होगा। अच्छा ये वाला भरा हुआ नजदीक था, तो नजदीक आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला जो जिसमें होगा वो आएगा। इसमें क्या है, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, तो बी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए बी जाएगा आंसर, ए वाला फिगर मेरा सही है। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि प्लस का मतलब होता है ए प्लस बी का मतलब, ए प्लस बी का मतलब ए माँ हो गई, प्लस का मतलब माँ हो गया, एम जो हो गई क्या हो गई, माँ हो गई, इनका लिख दिया। भागा का मतलब क्या होता है, तो भागा का मतलब होता है सर फादर, भागा का मतलब क्या होता है फादर, तो एन जो हो गया फादर हो गया, किसके फादर हो गया, ओ का। अच्छा अब फिर गुना है, गुना का मतलब क्या हो गया, तो गुना का मतलब वाइफ, पी
ओ क्या है, वाइफ हो गया पी का। कुछ एमपी से कैसे रिलेटेड है, तो हमको पीए तक ले लिखेंगे, क्यू तक ले लिखना नहीं है। तो पूछ रहा है कि एम जो है पी से कैसे रिलेटेड है, तो स्टार्ट होइए। मैं मेरी वाइफ, वाइफ के पिताजी और पिताजी की माँ हो गई, ये क्या हो गया एम, क्या हो गया मेरे वाइफ के, मेरे वाइफ वाइफ के पिताजी और पिताजी की क्या हो गई माँ, वाइफ वाइफ के पिताजी और पिताजी के क्या हो गए माँ, तो एम क्या हो गया वाइफ के पिताजी की माँ। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अब ये भी फिगर का है, चलिए इसको देखते हैं क्या करा। पहला देखिएगा तो खाली है, अगला में भर गया, ये भरा हुआ है फिगर पूरा पूरा, ये क्या है भरा हुआ है, तो जो भी फिगर आएगा खाली आना चाहिए। यहाँ तो भरा हुआ है गलत है, यहाँ भी भरा हुआ है गलत है। अच्छा ये वाला जस का तस है, फिगर में चेंज नहीं हुआ, ये भी जस का तस है, तो यहाँ तो दोनों एरो दिखाई देगा। अच्छा ऊपर वाला का बात कीजिएगा, ऊपर वाला का बात कीजिएगा, तो ये तो कर लिया हम लोग भरा हुआ है। अच्छा ये वाला जो फिगर है ये पलट के आ रहा, पलट जा रहा, इधर पलट जा रहा, क्या हो जा रहा है इस साइड में, तो इस साइड में आ जा रहा पलट के, कहिएगा ठीक है पलट दे रहे हैं इसको, अगर इस साइड में है ये पलट के लिख रहा है इस साइड में, तो चलिए पलट के लिखना है, जो इसको पलट के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, पलट के जब लिखिएगा तो इसको पलट दीजिए, ये आ जाएगा किधर आएगा, तो कहिएगा सर ये पलटा आएगा, सर पलटा का आएगा किधर, इधर आएगा, यहाँ आना चाहिए था कुछ ऐसा, किस फिगर में दिखाई दे रहा है, तो सर कहिएगा आपका फिगर नंबर दिखाई दे रहा है टू, जिसमें होगा वही होगा। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा एक फिगर है, ध्यान दीजिए जो भी आपका एक्स्ट्रा फिगर है, चूंकि आपको एक ही फिगर पलटना है, तो जो भी इसके बगल में सटा हुआ है उसी को पलटना है, तो पलट लीजिए इसको सटा हुआ को, तो इसके बगल वाला को पलट दीजिएगा तो यहाँ पाएगा, तो यहाँ पे देखिए जस्ट तस्से रख दिया, जस्ट इसके बगल में रख दिया। अच्छा दूसरा क्या हो गया कि इसमें एरो का पोजिशन भी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है एरो का पोजिशन चेंज हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो बदल नहीं रहा है, ये एरो तो बदलेगा नहीं, तो तीन नंबर तो सरासर गलत है। आपको डायरेक्ट बनाना रहता तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था पहले तो भरा हुआ था आपको कर देते, और दूसरा क्या हो जाता है एरो के पोजीशन से, जितना याद रखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ चेंज नहीं हो रहा था तो यहाँ भी चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता तो क्या हो जाता, तो चेंज नहीं होता तो देखिए दूसरा क्या है, ये भरा हुआ है तो यहाँ खाली है, ये खाली है तो भरा हुआ आना चाहिए, एरो का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये वाला तो गलत है। अच्छा यहाँ खाली है यहाँ भरा है, यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ खाली आना चाहिए, खाली वाला किस में नहीं है, चार में नहीं है, वन में नहीं है, तो दो नंबर हो गया, तो डायरेक्ट भी बन गया। अब ये प्रश्न किसका है, ये प्रश्न है आपका सर कैलेंडर का है, तो कैलेंडर में देखिए हर 100 वर्ष में 5 गो लीप, हर 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होता है, ऑड डेज कितना होता है, तो ऑड डेज होता है सर 5, हर 2 साल में 200 साल में कितना होता है तो 3, 300 साल में कितना होता है तो 1, हर 400 साल में कितना होता है तो 0। तो बताइए 2018 को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, 2018 को 2000 प्लस 18 लिख सकते हैं। अच्छा 2000 का मतलब 400 × 5, हर 400 साल में 0 ऑड डेज, तो 0 × 5 0 हो गया। अच्छा इसका मतलब 2000 तक ले तो पता चल गया, अब 18 साल में देखिए कि कैसे कैसे निकालिएगा, 18 साल में निकालना है, 2018 तक ले निकालना है, तो चूंकि 18 का हमको दिसंबर में पूछ रहा है, तो 2018 का जब डेट हमको 1 दिसंबर का निकाल लेते कि कौन सा है, जब 1 दिसंबर निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि सैटरडे कब आया है। अच्छा जब 18 का निकालिएगा तो जिस साल में डेट निकालते उस ईयर को छोड़ देते हैं, तो 18 को छोड़ देंगे तो बच्चा कितना साल, 17 साल, 17 साल में क्या लीप ईयर, तो कहिए सर 4 से भागा पड़ता है 4, तो 4 गो लीप ईयर, और कै गो साधारण साल, तो कहिएगा सर 13 गो जनरल ईयर हो जाएगा, लीप ईयर में कै गो ऑड डेज, तो 2 गो, जनरल ईयर में कै गो तो 1 गो, तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 13, तो टोटल कितना हो गया 17 साल में इनमें, तो 21, जब भी ऑड डेज 7 से ज्यादा होता है 7 से भागा दे देते तो कितना होगा 21 से पड़ेगा, तो 0 आ रहा रिमाइंडर, मतलब 0 ऑड डेज होगा, कितना ऑड डेज होगा, तो कहिएगा सर 0 ऑड डेज होगा इस 17 में। अब चलिए 2018 के 1 दिसंबर तक ले तो निकाल लेते हैं,
तो 20 जनवरी कितना का होता है? तो कहिए सर जनवरी 31 दिन, तो 3 और 10 सात से भागा लगाएं तो फरवरी सर 18 वाला तो लीप ईयर है नहीं, तो 28 में सात से भागा देंगे तो 0। ऐसी मार्च जब भी 31 का होगा दिन तो 3 और 30 का होगा तो 2, तो मार्च में हो जाएगा सर 2। अप्रैल में हो जाएगा सर आपको, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में कितना हो जाएगा सर 2, मई में कितना हो जाएगा 31 का होता है तो 3, जून में कितना हो जाएगा तो कहिएगा सर जून में हो जाएगा आपको सर 30 का होता है तो 2, जुलाई में कितना हो जाएगा तो सर जुलाई में 31 का होता है तो 3, अगस्त में कितना हो जाएगा तो अगस्त में सर 31 का होता है तो 3, सेप्टेम्बर में 30 का होता है तो 2, अक्टूबर में होता है कितना तो अक्टूबर 31 का होता है तो 3, नवंबर 30 का होता है तो 2। अच्छा दिसंबर का है चूंकि एक ही तारीख तक ले लेना तो 1 तारीख ले ले रहे हैं, 1 तारीख टोटल बताइए सात जहां जहां भी बन रहा है टोटल ऑफ डेट जोड़िए, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19, 2, 21, 21, 3, 24, 24, 2, 26, 26 एक कितना हो गया और 27, 26 एक कितना हो गया 27 से ज्यादा है तो भाग दिए कितना शेष आया तो कहिए 27, 21, 6 आया, तो 6 और डे जाएगा सर। तो इसका मतलब डे कहाँ से स्टार्ट होता है तो मंडे, तो छठा दिन कौन होगा तो कहिएगा सर 1 दिसंबर को छठा दिन जो होगा सर छठा और डेज का मतलब हो जाएगा वो सर छठा का मतलब सैटरडे होगा। अच्छा तो पूछ रहा है कि बुधवार कब आएगा, तो बुधवार कब आएगा तो सर 2 दिसंबर को आपको बुधवार तक ले जाना है वेडनेसडे तक ले, तो वेडनेसडे के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा तो कहिएगा सर 4 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 4 दिन का बढ़ने का मतलब दिसंबर 1 को अगर सैटरडे था तो पता चल गया सर दिसंबर 5 को सर क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, तो 5 आएगा हर 7 दिन के बाद आएगा तो ऑप्शन नंबर बी, 5 को आएगा फिर 12 को आएगा फिर 19 को आएगा फिर 26 को आएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो आज के क्लास के लिए काफी था, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।